महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले एक महीने से विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने आजाद मैदान में आंदोलन शुरू किया। इस मार्च को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर आया हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकार के पास खुद का विज्ञापन करने के लिए पैसे हैं, लेकिन राज्य में जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के पास उनकी कड़ी मेहनत के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। आज भी प्रदेश में कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। ठाकरे ने कहा कि लव में शांति होती है, लेकिन जब कई लपटे एक साथ आती है तो मशाल जलती है। महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले एक महीने से विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने आजाद मैदान में आंदोलन शुरू किया। इस मार्च को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर आया हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकार के पास खुद का विज्ञापन करने के लिए पैसे हैं, लेकिन राज्य में जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के पास उनकी कड़ी मेहनत के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। आज भी प्रदेश में कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। ठाकरे ने कहा कि लव में शांति होती है, लेकिन जब कई लपटे एक साथ आती है तो मशाल जलती है।